आधी बिरयानी खा ली, लड़ रहे बिरयानी के साथ। मैंने अचानक से गेम ऑन कर लिया, ये बोटियों के साथ लड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी जो है तकरीबन भी रात 8:30 का टाइम हो रहा है और सुबह से मैंने ब्लॉग स्टार्ट नहीं की क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी सुबह से। पता नहीं क्या जिस्म में अजीब सा हो रहा था, दिल नहीं कर रहा था मेरा कुछ भी करने का। दवाई वगैरह भी लाया था मैं, तो अभी खाना वगैरह खाया तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लूँ क्योंकि मैं बाहर भी जा रहा था। मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से, एक ज़रूरी काम है। मैंने सोचा है कि मैं घर के लिए सोफ़े देखने जाता हूँ क्योंकि किचन वाली जो जगह है हॉल, ये बिल्कुल खुला है। यहाँ पर अच्छे सोफ़े होने चाहिए और नए डिज़ाइन के, तो मैं वही देखने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं जाऊँगा अपने कज़न फरहान के पास क्योंकि काफ़ी दिन हो गए उससे भी मिले हुए मुझे। हम लोग कुछ खाने पीने भी जाएंगे और फिर मैं उससे मिलूँगा भी, फिर उसके बाद हम जाएंगे सोफ़े वगैरह देखने। और एक काम और भी है, वो भी करना है, वो तो मैं आपको अभी नहीं बता रहा, वो तो मैं आप सबको बाद में ही बताऊँगा कि वो क्या काम है। फिर अभी पापा दवाई लेने गए थे नेहा को दवाई दिलवाने, क्योंकि नेहा भी बीमार है बेचारी, वो उसकी दवाई दिलाकर पापा आ जाएं तो फिर मैं जाऊंगा अपने कज़न फरहान के घर। अभी अभी मेरी फरहान से बात हुई है, वो काम से आ रहे हैं रास्ते में, तो अभी बस मैं थोड़ी देर के बाद निकलूँगा और फिर फरहान के पास जाकर आप सबसे मिलता हूँ। और एक चीज़ आप सबको मैं और दिखा दूँ, मैंने आप सबको नहीं दिखाई थी, शेयर करनी चाहिए। पापा के चैनल पे तो दिखाई है लेकिन पापा के व्यूवर्स कुछ अलग हैं, कुछ मेरे अलग हैं, तो दिखाना तो लाजमी चाहिए। ये इधर मैंने अपने लिए पंखा लगवा लिया था, सही है। ये जब पंखा लगवाया ना तो ये पंखा इतना ही कोई तेज़ चल रहा था ना, डायरेक्ट था ये, मतलब के बटन ऑन करें तो फुल स्पीड में चलता था। और रात में यहाँ से इतनी हवा आती है, इतनी हवा, ये पूरा रूम ठंडा हो जाता है मेरा, तो इस वजह से आज मैं ये डिमर लेकर आया था। पापा ने मुझसे मंगाया, पापा ने मुझसे ही लगवाया, पहली दफ़ा मैंने लगाया। उस टाइम पे मेरा वीडियो स्टार्ट करने का दिल नहीं कर रहा था वरना मैं आप सबको दिखाता। खैर आज हम लोगों ने वाईफाई भी लगवा लिया, ये देखें ये नेट का तार, यहाँ पे नेट की बड़ी परेशानी थी, आज हमने यहीं पर अपना वाईफाई लगा दिया। नीचे इसलिए रखा है क्योंकि पावर बैंक वगैरह चेंज करना पड़ता है, जब लाइट जाती है तो नेट बंद हो जाता है, पावर बैंक नीचे से आसानी से चेंज हो जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ना पड़ेगा। अभी भाई पापा और नेहा आ चुके हैं, काफ़ी देर में आए, मैंने तकरीबन भी 1.5 घंटा इंतज़ार किया। इतनी देर से क्यों आए भाई? वहाँ पे रश इतना ज़्यादा लगा हुआ था कि हमारे आगे जो है ना 5 आदमी थे। अच्छा। और लेडीज भी ज़्यादा थी इसलिए रश लगा हुआ था। फिर डॉक्टर जो है ना चला गया था किसी के घर पे देखने, चेकअप करने के लिए। अच्छा, दवाई मिल गई? हाँ मिल गई, टाइम तो लग गया ना, 1.25 घंटा हो गया मैं गए थे। हाँ क्यों गोलियाँ में देखें कितनी सारी मिली है, इतनी सारी गोलियाँ। हाँ क्या करें, जल्दी आना था क्या? कहीं जा रहे? जा रहा हूँ, मैंने बताया तो था। शायद कैंसिल हो गया। नहीं नहीं जा रहा हूँ। चलो ठीक है। तो अभी भाई मैं फरहान के पास आ चुका हूँ, फरहान से भी मिल लिया, काफ़ी देर हो गई मुझे इनके यहाँ पर आए हुए। और अभी मैंने फरहान से पूछा है कि भाई क्या खाने पीने चलना है, तो ये तो बता ही नहीं रहा है। तो भाई क्या बताऊँ, अब आप खिलाओगे तो जो भी खिलाओ, आपकी मर्ज़ी भाई, हमारी क्या। नहीं वैसे भी पूछना चाहिए ना कि भाई बाहर जा रहे हैं तो फिर क्या खाना है क्या नहीं खाना। बस तो फिर वहाँ देखेंगे ना, जहाँ पे हम जाएंगे उस जगह का माहौल देखेंगे क्या अच्छा लगता है क्या नहीं। लेकिन सबसे पहले मेरे को जो काम है ना वो काम करना है, हाँ सोफ़े वगैरह देखना है, फिर उसके बाद कुछ खाने चलेंगे। हाँ देख लेंगे सोफ़े, 24 मार्केट तो रात तक खुली भी होगी। सोफ़े इसलिए देखने ना यार, नया घर लिए है, वो किचन है काफ़ी खुला है, तो हाँ। पुराने वाले सोफ़े मैंने अपने कमरे में रख लिए, देखा होगा वीडियो में। हाँ वीडियो में। और किचन वाली जगह पे ना मैंने सोचा है दूसरे सोफ़े रखे, अभी मैंने पापा को बताया नहीं है कि मैं सोफ़े देखने जा रहा हूँ। मैंने ऐसे ही बोला था कि मैं फरहान के पास जा रहा हूँ, फिर पसंद करेंगे वीडियो बनाएंगे और फिर पापा को वीडियो दिखाऊंगा, पापा को पसंद आए तो फिर ले लेंगे जाके। हाँ फिर मतलब अभी पसंद हो जाएंगे फिर, क्योंकि जब मैं पसंद करके चले जाऊँगा ना तो फिर हो सकता है पापा मान जाए। सही,
ये भी सही है। हाँ तो फिर ऐसा करते हैं, अभी चलते हैं, 9:30 तो हो गए। तो अभी जाएंगे तो फिर पहुँचेंगे तो फिर ठीक है भाई। मैं और फरहान घूम घूम के पागल हो गए, और सोफे वगैरह मतलब दुकान है ना सारी बंद है, 24 मार्केट बंद है। फिर अभी हमने सोचा है, अभी हम यहाँ पर रुके थे पार्क के पास ना, तो अभी हमने सोचा है कि हम जाएंगे कुछ कुछ ना कुछ खाने जाएंगे। तो भाई फरहान अभी बता दे मुझे कि क्या खाना है। बस अभी चलते हैं कोई रोल पॉइंट पे, रोल वगैरह खाते हैं या तो फिर बिरयानी वगैरह खा लेंगे, कुछ ना कुछ तो खाना है ना यार। भाई मेरा तो बिरयानी खाने का दिल कर रहा है, काफ़ी दिन हो गए अपन दोनों ने बिरयानी नहीं खाई। चलो आज बिरयानी खा लेते, मसला नहीं। चलो बिरयानी खाते हैं और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, मज़ा आ जाएगा। भाई अभी हम बिरयानी खाने आ चुके हैं, फरहान बैठा हुआ है सामने और ये रही हमारी बिरयानी। बिरयानी खाएंगे और फिर उसके बाद हमने मंगाई है वहाँ से कोल्ड ड्रिंक पियेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि काफ़ी देर हो गई यहाँ पर आए हुए, निकलना तो है। भाई आधी बिरयानी खा ली और फरहान ने भी आधी बिरयानी खा ली, लड़ रहे बिरयानी के साथ। मैंने अचानक से कैमरा ऑन कर लिया, ये बोटियों के साथ लड़ रहे इधर। चलो सही है, खाओ खाओ। तो भाई फाइनली अभी हम घर पर वापस आ चुके हैं और फरहान को मैंने बिरयानी भी खिला दी। काफ़ी दिन से ये मुझे फ़ोन कर करके बार बार बोल रहा था कि यार अदनान नए घर में चले गए, ना कोई दावत दी ना बताया, हम नए घर में जा रहे हैं और शिफ्ट भी हो गए, बिरयानी वगैरह नहीं खिलाई। हाँ। फिर आज मैं ख़ास तौर पे मिलने भी आया था और इसको बिरयानी भी खिलाई। अब तो नाराज़ नहीं है ना, खुश है ना? नहीं यार नाराज़ तो नहीं हूँ, बस ये इतनी दिनों बाद मतलब बंदा मिलता भी है तो घर भी शिफ्ट कर लिया, पता बताया भी नहीं। बंदा बताता तो थोड़ी हेल्प भी हो जाती कि मैं आ जाता, थोड़ा सामान वगैरह उठवा लेता। अब शिफ्ट भी हो गए और ये घर पर भी पहुँच गए, लेकिन फिर भी नहीं। मैं सामान वगैरह का ना बताता उठाने का, लेकिन काम पर भी जाना था तुझे, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार काम की छुट्टी होगी तो इससे अच्छा यही है, आराम आराम से हम दोनों बाप बेटे उठा लेंगे। चलो जो अब मुझे अफसोस ये हो रहा है कि इस जिस काम के लिए, मेन काम के लिए मैं आया था ना, वो नहीं हुआ। असल में लेट आया ना मैं, इस वजह से नहीं हुआ, सोफे नहीं मिले। वो देखने सारी दुकानें ही बंद थी, बिल्कुल पूरी मार्केट ऑफ थी, फास्ट फूड वाले ही होते जो। हाँ तकरीबन भी हम लोग 9:30 बजे यहाँ से गए थे। हाँ। और अभी बज रहे हैं 11 बजे से ऊपर टाइम हो रहा है। खैर मुझे भी अब घर जाना है, अब तो घर हमारा दूर है, पहले इनके घर के करीब ही था, तो अब मैं निकलता हूँ यहाँ से घर की तरफ। सही है भाई फरहान? हाँ सही है, सही है, आप घर पे जाओ क्योंकि लेट भी हो गए और कब से आए हो। हाँ चलो सही है, अल्लाह। तो अभी मैं घर पर आ चुका हूँ और घर पर आया हूँ तकरीबन भी 11:30 बजे। इतनी देर से मैं घर पर आया, पापा ने मुझे बातें सुनाई। पापा खैर जब भी मैं कभी बाहर जाता हूँ ना तो पापा लाजमी मुझे बातें सुनाते हैं, बोलते हैं कि ये कोई टाइम होता है बाहर जाने का। खैर कोई बात नहीं, और घर पर आया तो फिर सामान वगैरह भी लाना था वो लेकर आया, और अभी टाइम हो चुका है 12 बजे का। 11:30 बजे मैं घर आया था और 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। तो खैर इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी, और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। कल मिलेंगे इंशाल्लाह एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।